मुख्यमंत्री जी हमारे रास्ता बनवा दो। कहते हैं बच्चे मन के सच्चे होते हैं, और जब बच्चे भगवान से कुछ मांगते हैं तो सुना है भगवान बच्चों की मनोकामना जल्द ही सुन लेते हैं। और ऐसी ही एक मांग इन नन्हे स्कूली बच्चों ने उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी और सांसद निशंक पोखरियाल जी से भी कर डाली। जी हाँ, आपको बता दूं, ये हरिद्वार लक्सर के वो स्कूली बच्चे हैं जो बहुत ही ज्यादा हताश हो चुके हैं और मात्र एक मांग कर रहे हैं, अपने घर से स्कूल जाने वाली एक सड़क की। आपने एक नारा तो जरूर सुना होगा कि जब पढ़ेगा इंडिया तभी तो बढ़ेगा इंडिया, लेकिन इन नन्हे बच्चों के आगे बढ़ने के रास्ते में आ रही है तो ये खराब सड़क। तो चलिए अब आप भी सुनिए इन नन्हे बच्चों की गुहार। बहुत दिक्कत होती है जी, इसमें गड्ढे हैं बहुत, और कभी गिर जाते हैं, चोट लग जाती है बच्चों को। तो अपने उत्तराखंड के जो मुख्यमंत्री हमारे पुष्कर सिंह धामी जी, उनसे क्या गुजारिश करते हो आप इस रास्ते के लिए, के रास्ता बनना चाहिए, जरूर बनना चाहिए, नहीं बनना चाहिए? yes. बेटा एक बार मुख्यमंत्री से गुहार लगाओ कि मुख्यमंत्री जी हमारा ये रास्ता बनवा दो, मुख्यमंत्री जी हमारा ये रास्ता बनवा दो। हाथ जोड़ के मुख्यमंत्री से गुहार लगाओ, मुख्यमंत्री जी हमारा ये रास्ता बनवा दो, ये रास्ता बहुत ज्यादा खराब है। तो आपने सुनी इन छोटे छोटे बच्चों की गुहार, कितनी परेशानी होती है इन्हें स्कूल जाने में, कभी कोई बच्चा गिर जाता है तो कभी किसी बच्चे के चोट लग जाती है तो कोई स्कूल जाने में लेट हो जाता है, और इसी के साथ इस रोड पर रोजाना कितने एक्सीडेंट भी होते हैं। अब आप सुनिए भारतीय किसान यूनियन से तोमर प्रदेश महासचिव ने इस पर क्या बोला। आज सभी साथियों को एक मुझे महत्वपूर्ण सूचना देनी है। मैं आपका छोटा भाई भारतीय किसान यूनियन तोमर से प्रदेश महासचिव। हम लोगों ने अपने इस रास्ते के लिए काफ़ी सालों से हम इसकी मेहनत कर रहे हैं, और हमने जब भी इस रास्ते के लिए मेहनत की है इस पर छोटा मोटा काम हुआ है। हम पिछले 10 सालों से इस रास्ते के लिए बहुत ज़्यादा परेशान हैं, और इसी को देखते हुए हम लोगों ने ये तय किया है कि हम बार बार उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी से, और जो हमारे सांसद हैं डॉक्टर निशंक पोखरियाल जी, उनसे भी हम गुहार लगा रहे हैं कि हमारे गाँव का ये सुल्तानपुर से लेके सुल्तानपुर, नैनपुर, लावलपुर, बिक्रमपुर, बख्तरपुर का जो रोड है इसकी स्थिति बहुत ज़्यादा ख़राब है। वर्तमान में हम सभी को बोल चुके हैं इस रास्ते के लिए, और सब मेहनत कर भी रहे हैं। तो आज हम इस वीडियो के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से आप तक ये छोटा सा मैसेज पहुंचा रहे हैं, अपनी सरकार तक ये मैसेज पहुंचा रहे हैं कि इस रास्ते को जितना जल्दी हो सके उस रास्ते को बनवा दीजिए, क्योंकि इस रास्ते की वजह से तकरीबन 30 गाँव के लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं। इसी को देखते हुए हमने एक अपना एक किसान संगठन की तरफ से एक धरना प्रदर्शन की व्यवस्था हम लोग कर रहे हैं। अगर इस पे जल्दी से काम नहीं हो पाता है, इसका कार्य नहीं चल पाता है, तो बहुत जल्द हम भारतीय किसान यूनियन तोमर की पूरी टीम हमारी धरने पर बैठेगी, और जब तक इसका रास्ते का मसला हल नहीं होगा, जब तक इसका कोई भी हमें इसका हल नहीं मिलेगा, तब तक हम लोग धरने पे से नहीं हटेंगे। तो मैं अपनी सरकार से, उत्तराखंड मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी से हाथ जोड़कर यही गुजारिश करता हूँ कि तत्काल रूप से इस रास्ते को बनवाया जाए। लक्सर विधानसभा 34 में रास्ता आता है, और लक्सर के जो हमारे विधायक हैं हाजी मोहम्मद शहजाद जी, उनसे भी मेरी ये हाथ जोड़ के गुजारिश है कि इस रास्ते को तत्काल रूप से बनवाया जाए, नहीं तो मजबूरी हम लोगों को इस रास्ते पे धरना प्रदर्शन करना पड़ेगा और सरकार से अपना हक मांगना पड़ेगा। तो आपने इस पूरी वीडियो में सुना भी और देखा भी कि किस तरीके से इन नन्हे बच्चों ने अपनी एक गुहार पुष्कर सिंह धामी जी से लगाई। अब देखना ये है कि क्या इन बच्चों की गुहार पुष्कर सिंह धामी सुनेंगे, या फिर जब पढ़ेगा इंडिया तभी तो आगे बढ़ेगा इंडिया के नारे के साथ इन बच्चों की आवाज को खुला दिया जाएगा। ऐसी ही तमाम खबरों के लिए बने रहें और देखते रहें लोकार्पण अनावरण सच का। धन्यवाद।